नमस्कार साथियों, मैं रमेश शर्मा अबेकस ज्ञान से। आज हम बात करेंगे डीएमआईटी की। डीएमआईटी डेमोग्राफी का मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट। आखिर डीएमआईटी है क्या, कैसे काम करती है और भला इसकी क्या हो सकता है। और आज हम यूट्यूब पर इसका इतना सारा विचार देख रहे हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल्स में इसके बारे में बताया जा रहा है। आखिर डीएमआईटी है क्या और इसकी आज क्या आवश्यकता है। तो दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, जहां चाहा वहां रहा। यानी हमें सफलता केवल उसी फील्ड में मिलती है जिसमें हमारी रुचि होती है। योर इंटरेस्ट एंड योर चॉइस डिफाइन द सक्सेस। यानी हर आदमी केवल उसी फील्ड में सक्सेस हो सकता है जिसमें उसका इंटरेस्ट उसकी रुचि हो। इसलिए हार्वर्ड ग्रैंडर ने एक ऐसी पद्धति की खोज की है जो व्यक्ति का इंटरेस्ट, उसकी रुचि और उसके माइंड का पूरा एक स्ट्रक्चर हमारे सामने लाता है। लेकिन डीएमआईटी काम कैसे करता है, उससे पहले हम लोग कुछ चीजों को देखें। आज हर आदमी अपने उद्देश्यों को, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भाग रहा है। हर आदमी अपने जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन अगर आप सही दिशा में नहीं जा रहे हैं तो कभी भी आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब है आपकी दिशा ही दशा को निर्धारित करती है। आपकी सफलता आप सही डायरेक्शन में काम करते तो ही निर्भर करती है। लेकिन आज हम लोग कॉम्पिटिशन के कारण हमारे बच्चों को ऐसे सब्जेक्ट दिला देते हैं जिसमें उसका इंटरेस्ट ही नहीं। आज अगर सचिन तेंदुलकर को बोला जाता है कि तुम एक संगीतकार बन जाओ तो शायद इतना परफॉर्म नहीं कर पाते। हर आदमी की अपनी इनबॉर्न टैलेंट होता है। हर आदमी अपने जन्म के साथ कुछ खूबियां, कुछ विशेषताओं को लेके आता है। तो उस बच्चे की खूबी क्या है, उसका टैलेंट क्या है, आखिर वो क्या इनबॉर्न टैलेंट के साथ जन्म हुआ है। वो लॉजिकल ब्रेन है, क्रिएटिव ब्रेन है, या वो रचनात्मक काम को करना पसंद करता है, वो देखकर पसंद करता है समझना, या सुनकर पसंद करता है, ये हम उसके ब्रेन के स्ट्रक्चर से जान सकते हैं। ग्रांडर ने डीएमआईटी का अपने बसों की सोच से डीएमआईटी सॉफ्टवेयर बनाया और उसकी पद्धति बनाई। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम हमारे फिंगरप्रिंट से हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर, हमारा इंटरेस्ट और हमारी खूबियों को जान सकते हैं। हम किस फील्ड में सफल हो सकते हैं, किस लाइन में सफल हो सकते हैं और क्या हम लोग हमारी स्ट्रेंथ और क्या हमारी कमजोरी है, इन चीजों को हम लोग इस टेस्ट से जान सकते हैं। तो मैं कहता हूं आज हर पेरेंट्स को अपने बच्चे का डीएमआईटी टेस्ट कराना चाहिए। वो जानना चाहिए कि बच्चा कैसे सीखता है, बच्चा लेफ्ट ब्रेन का यूज ज्यादा कर रहा है कि राइट ब्रेन का ज्यादा यूज कर रहा है, कि वो दोनों ब्रेन का यूज कर रहा है, वो किस करियर में अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से चला सकता है, वो किस फील्ड में अपने आप को अच्छा साबित कर सकता है, ये हम लोग जान सकते हैं। हमने देखा कि एक चार बच्चे अगर एक टीचर के पास पढ़ते हैं तो चारों का टैलेंट, उनकी खूबी अलग अलग होती है, वो अलग अलग फील्ड में अपना मास्टरी कर सकते हैं। तो आप अपने बच्चे की विशेषताओं को पहचाने और ये जाने कि बच्चा लॉजिकल ब्रेन है या क्रिएटिव ब्रेन। तो इसलिए डीएमआईटी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिससे बच्चे का पूरा इन्वॉल्व टैलेंट, उसका मस्तिष्क का स्ट्रक्चर सामने आ जाता है और हम हर चीज को अच्छे से जान पाते हैं। इसलिए आज हम देखते हैं सैकड़ों बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करने के कारण सुसाइड कर लेते। बच्चा बनना तो इंजीनियर चाह रहा था लेकिन आप उनको आपने मेडिकल में डाल दिया। बच्चा बनना तो एक अच्छा बिजनेसमैन चाह रहा था लेकिन आपने इंजीनियर बना दिया। तो आप अपने बच्चे के ऊपर अपनी जिम्मेदारी ना थोपे, आप केवल उनके ब्रेन स्ट्रक्चर को जाने, उनकी खूबियों को पहचाने, फिंगरप्रिंट से उसके पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर पता करें और उसके अकॉर्डिंग उसकी दिशा निर्धारण करें, वो किस फील्ड में जाना चाहिए ये धारण करें। और ये केवल डीएमआईटी से ही संभव है। इसलिए कहा जाता है कि सफलता 3C पर डिपेंड करती है, यानी हमारी चॉइस, चांस और चेंज, तीनों पर निर्भर करता है। जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि अगर हमने चेंज नहीं लाया, हमने चांस को कन्वर्ट नहीं किया अपनी सफलता में, या हमारी चॉइस को प्राथमिकता नहीं थी, तो हम सफल नहीं हो सकते। तो आज आप डीएमआईटी टेस्ट कराएं अपने बच्चों का, और अगर आप इसमें अपना करियर भी बनाना चाहते हैं तो अभी आप हमें हमसे मिल सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। यह पूरा प्रोग्राम मैं आपको दूंगा।
इस प्रोग्राम से आप अपने बच्चों का अपना DMIT टेस्ट करें और लोगों का भी चेक करके एक अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं आप, एक आपके लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है। तो DMIT क्या है, कैसे काम करता है, और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे को कॉल करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।